भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आजकल अपने शबाब पर है। फिल्में विदेशों में शूट हो रही है और इसकी पैन इंडिया रिलीज की भी तैयारी चल रही है। साथ ही खेसारी लाल यादव जैसे स्टार की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हालांकि इस इंडस्ट्री में स्टार्स के बीच की रंजिशें भी किसी से छुपी नहीं है, खासकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल की। फिलहाल तो खेसारी अपने गानों के अचानक यूट्यूब से डिलीट हो जाने से परेशान हैं। इस परेशानी में उन्होंने फैंस के लिए ताजा वीडियो शेयर किया है। दरअसल हुआ क्या है कि पवन सिंह के तारे गर्दिश में चल रहे। पिछले दिनों उनकी पर्सनल लाइफ काफी लाइमलाइट में रही, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना रहे हैं। पवन सिंह इसे लेकर काफी परेशान चल रहे हैं। इनकी बजाय प्रोड्यूसर खेसारी लाल यादव को फिल्मों में ले रहे हैं। अपनी फिल्म में छिंदी देख पवन सिंह को और गुस्सा आ रहा है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई है। इस बीच खेसारी अपने फैन से बात करने के लिए लाइव आ गए। पहले तो उन्होंने अपने नए गाने हसीना को मिल रहे प्यार के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। अपने लाइव के दौरान खेसारी ने बिना नाम लिए ही भोजपुरी के कुछ लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को सबने मिलकर परेशान किया और नतीजा ये हुआ कि आज लोग बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक आदमी ने यूट्यूब से मेरा गाना डिलीट करवा दिया है और मुझे लगातार परेशान कर रहा है। वो मेरा करियर खत्म कर देना चाहता है। लोगों को सब पता है, फिर भी पूरी इंडस्ट्री उसका सपोर्ट कर रही है। खेसारी ने आगे कहा कि दो तीन लोग ऐसे हैं जो मुझे बर्बाद करने में लगे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री में जगह बनाई है। हाँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि बिना किसी गलती के ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चाहे बड़का भैया के सपोर्ट में पूरी इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, लेकिन वो घबराने वाले नहीं है। बता दें कि उन्होंने अपने पूरे लाइव सेशन में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग ने अंदाजा लगा लिया कि उनका इशारा पवन सिंह की ही तरफ है। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव की फिल्मों और गानों को खूब पसंद किया जाता है। खेसारी के गाने यूट्यूब पर खूब पसंद किए जाते हैं। उनके कई गाने हिट हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे म्यू वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।